News 18, India. मतलब वो इमरान खान जो कहते हैं सेना करप्ट है, वो इमरान खान जो कहते हैं कि अमेरिका के हम पिट्ठू बने हुए हैं, वो इमरान खान जो रिलीजियस जो कट्टरपंथ है उसकी उस लाइन में सबसे आगे रहते हैं और इसीलिए पाकिस्तान की जनता उन्हें पसंद कर रही है। नहीं, उनका कहना ये गलत नहीं है और सबको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान वॉज अ ब्रिटिश प्रोजेक्ट टू स्टार्ट विथ और अभी ये अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एक्सटेंशन है जो वहां की फौज जो है। और ना मैं इसके लिए मैं अमेरिका को ब्लेम भी नहीं करता हूँ, कोई भी सुपर पावर होता है तो वो ऐसे ही उनके वो प्रॉक्सीज होते हैं, तो इट इज अ प्रॉक्सी ऑफ पाकिस्तान। और जहां तक इलेक्शंस के मैनिपुलेशन का तो सवाल है, तो आप देखिए ना, ये शायद अभी शाहबाज शरीफ साहब के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2,92,000 वोट टोटल थे और उसमें फिर एक बयान आया इलेक्शन कमीशन का कि इसमें 2,93,000 वोट वैलिड है। हाँ। तो कल जो आपने देखा कि शुरू में जब काउंटिंग शुरू हुई तो बड़े तेज तेज रिजल्ट आ रहे थे, उसके बाद एक बीच में एक बिल्कुल ठप सा सब कुछ हो गया। तो वहां के भी लोग जज कर रहे थे कि जो मोमेंटम है ये किस तरफ जा रहा है, तो हम अपना प्लान बी कैसे हम ले आए। लेकिन मैं फिर उसी बात पे आता हूं कि इसका नजरअंदाज नहीं किया जा सकता इलेक्शंस का मैनिपुलेशन का, बिकॉज एक मैंने जैसा कि कहा है पाकिस्तान इज अ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट और वही हुकूमत में आएगा जिसके साथ आर्मी का तालमेल होगा जो वहां की आर्मी चाहेगी। और लेकिन कर्नल सिंह ये इधर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अगर अगर गड़बड़ी हुई है, अगर सेना चाह रही है कि इमरान खान को हैसियत में रखा जाए, वो सलाखों के पीछे है, सलाखों के पीछे ही रहे, तो जो इमरान खान की तरफ से बैकअप सपोर्ट इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को दिया गया है, जनता उन्हें कैसे पसंद कर पा रही है, वो भी सेना के मुखालिफत करते हुए? मैं वही चीज तो समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने वही कहा ना कि ये एक अपने आप में, देखिए मैं बता दूं, इनका जमहूरियत और हमारे जमहूरियत को आप अगर कंपेयर करें, हाँ, तो जैसे मिसेस गांधी का जब असैसिनेशन हुआ था तो पूरा एक पूरे नॉर्थ से साउथ से लेके ईस्ट से वेस्ट लेकर तक इंडिया में एक वेव हुआ, ठीक है ना? एवरीबॉडी ट्रांसेंडेड ऑल यू नो एथनिसिटी जो भी था, रीजनलिज्म। लेकिन इनके यहाँ आप कोई भी आप ले चुनाव, बेनजीर भुट्टो का असैसिनेशन हुआ येट पीपीपी कुड नॉट ट्रांसेंड इनटू पंजाब। लेकिन ये पहला लीडर है जो कि ही हैज मैनेज टू ट्रांसेंड, ही हैज गॉन अप राइट अप टू कराची। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इतना अपील तो भुट्टो का भी नहीं था कभी। तो ये अपने, और आप चाहे इसको इनको दबा दे अभी, हाँ, इमरान खान को, लेकिन ये ट्रेंड जो है इसको रोकना बहुत बहुत मुश्किल होगा। और आंकड़े क्या बता रहे हैं कर्नल सिंह, वो आंकड़े जरा, और ये दबाया जा सकता है क्या? क्योंकि सुबह भी कमर भाई से मेरी बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा इट इज पॉसिबल, एंड हाउ इट इज पॉसिबल वो आंकड़ों के जरिए बताया था। इनफैक्ट मैं पहले दर्शकों को कुछ आंकड़े बता देना चाहती हूँ कि इस वक्त जब हम जनता के सामने इस मुद्दे को रख रहे हैं, क्या हो सकता है बहुमत से इमरान सरकार का क्या वास्ता है, गठबंधन से नवाज और बिलावल सरकार क्या बन सकती है? ये वो कुछ बिंदु हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। बहुमत से नवाज या बिलावल सरकार कैसे बन सकती है वो आंकड़े आपको हम बताएंगे, लेकिन बहुमत इस वक्त जाता हुआ उन कैंडिडेट्स के तरफ दिख रहा है जो इमरान खान के समर्थन से जो है मैदान में उतरे हुए हैं। कमर चीमा साहब, क्या ये रोका जा सकता है? इज इट पॉसिबल कि सबसे ज्यादा समर्थन मिल रहा है उन लोगों को जो सिंबल से लड़े इमरान खान के? देखिए जी, बात यह है कि इमरान खान की पॉलिसी यह है कि वो कहते हैं मैंने PMLN मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं करना, यह है उनका बुनियादी फॉर्मूला जो उन्होंने पिछली दफा भी नहीं किया था। अब क्वेश्चन यह है कि जो ज्यादा सीटें आजाद, जो कि इमरान खान की पार्टी जो कि आजाद को मिल रही हैं, वो इस पोजीशन में नहीं है कि जो बाकी इंडिपेंडेंट्स या बाकी छोटी पार्टीज के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं। बाकी जितनी भी छोटी पार्टीज हैं, जो रिलीजियस पार्टीज हो सकती हैं या जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, जो पेरिफेरल पार्टीज हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में छोटी छोटी पार्टीज हैं जिनको नेशनलिस्ट पार्टीज हम कहते हैं,
उनकी भी इतनी तादाद नहीं है कि वो उनके साथ हुकूमत बनाए। सो अगर इमरान खान हुकूमत बनाना, यू टेल मी वन थिंग, ये सरकार किसकी बनती हुई आपको दिख रही है? आप कह रहे हैं 100 से ज्यादा सीटों पर अभी आंकड़े आना बाकी है, बट स्टिल आपका जो एक्सपीरियंस है क्या नजर आ रहा है? इल बी नवाज शरीफ, लगता तो यही है नवाज शरीफ, क्योंकि उनके पास वोट ज्यादा बनेंगे और वो कोलिशन बना लेंगे, कोलिशन के साथ बन जाएगी। तो कर्नल सिंह, कुल मिलाकर वही होगा जो सेना चाहती है, जनता कुछ भी चाहे? नहीं, सेना का इससे क्या ताल्लुक है, सेना का इससे क्या लेना देना? वो कर्नल सिंह बताएंगे, चीमा साहब वो कर्नल सिंह बताएंगे, लेकिन हाँ दोनों का जवाब दे दीजिएगा, पहले तो सेना का क्या वास्ता है भाई इससे, और दूसरा ये जो सेना चाहती थी वो हो गया। लेट मी पुट इट दिस वे कि रूबिका जी, ऐसा है कि अगर आप अपने तरह का जमहूरियत पूरी दुनिया में देखना चाहते हैं तो मिलने वाला नहीं है, तो दैट इज विशफुल थिंकिंग। हम सब जानते हैं कि सेना किस तरह से वहां नियंत्रण रखती है वहां के पॉलिटिक्स पर, और ये जियाउल हक ने किया। पहले क्या था ना कि मिलिट्री लीडर्स जो है वो डायरेक्ट, जैसे अयूब खान ने डायरेक्ट रूल किया, जियाउल हक ने डायरेक्ट रूल किया, तो उन्होंने फिर जियाउल हक ने रियलाइज किया कि यार ये ना, ये ओवरलॉर्डशिप से बढ़िया ये तरीका है ओवरसाइट का, समझे कि नहीं? तो वो ट्रांजिशन जो है वो जियाउल हक के पीरियड में हुआ, और तब से ओवरसाइट के तरीके से वो चलाती है वहां पर फौज जो चलाती है। अमेरिकन्स भी ऐसा ही चाहते हैं, पश्चिमी देश भी ऐसा ही चाहते हैं। बड़ा इनका, मैं हमेशा कहता हूं कि इनकी दोस्ती आप समझ नहीं सकते, इनका ये कहते हैं ना कि हम बिल्कुल ब्रदर्स हैं, यू नो आयरन ब्रदर्स चाइना एंड पाकिस्तान, नो दे आर ब्लड ब्रदर्स ऑफ द अमेरिकन, मैं अमेरिका की फौज की बात कर रहा हूँ। इनका 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 बिल्कुल जुनूनी खून का रिश्ता, आप ये समझ जाइए, और जितनी जल्दी हमारे हिंदुस्तान में इसको लोग समझ ले उतना अच्छा होगा, उतनी अच्छी आप नीति बना सकेंगे पाकिस्तान के संदर्भ में। मैं चाहती लेकिन एक, अमर भाई इसका जवाब दें। कर्नल सिंह लिसन, मैं इसलिए आपको इसलिए रोक रही हूं और आपकी इजाजत से रोक रही हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं दोबारा आपको 30 सेकंड दे दूंगी। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में 180 सीटों पर नतीजे आ गए हैं, इमरान खान के समर्थकों ने 76 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, नवाज शरीफ की पार्टी को 53 सीटों पर जीत हासिल हुई है, और बिलावल भुट्टो की पार्टी 43 यानी 43, और अदर्स के खाते में 8 सीटें इस वक्त नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपके सामने है आंकड़ों के लिहाज से। कर्नल सिंह, ये आंकड़े बताना जरूरी थे, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे था कि मुझे नहीं मालूम कि अभी ये किस इलाके से आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब में 141 सीटें, 141, सो दैट इज अ बिग चंक। आई डोंट नो अगर वहां पे कितना मिला है, बट वो जो है वो एक्चुअली नवाज शरीफ का वो गढ़ है। तो जब तक वहां के 141, अभी आपने बिलावल का बोला 41 सीटों में से उनको इतना है, तो सिंध में तो टोटल 61 सीट्स ही हैं, तो वो ऑलमोस्ट मतलब 2/3 उसके हो गए। लेकिन मुझे पंजाब का अगर कोई बता दे कि 141 में कितने डिक्लेयर हुए हैं, तब शायद आगे कुछ गेस करना हमारे लिए। आई थिंक कमर चीमा से बेहतर कोई नहीं हो सकता है, वो तो वहां इस्लामाबाद में मौजूद है, अलग अलग प्रोविंस के लिहाज से। कमर भाई जरा दर्शकों को भी बता दीजिए और कर्नल सिंह को भी कि कहां कहां की सीटों के नतीजे आ चुके हैं, किस प्रोविंस के। देखिए जी, ये अभी कंफर्म नहीं है कि कहां कहां के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन अभी तकरीबन 100 सीटें जो है उनके ऊपर, 100 के ऊपर अभी जो है वो रिजल्ट आना बाकी है। हाँ। आप देखें, नेशनल असेंबली जो है, नेशनल असेंबली में हुकूमत बनाने के लिए आपको अराउंड 172-173 सीटें चाहिए। अभी तक तकरीबन जो है वो इंडिपेंडेंट्स, इमरान खान की पार्टी के पास 76 सीट्स हैं जस्ट, बाकी अभी 100 सीटों का रिजल्ट आना बाकी है। पंजाब अकेले की 141 सीट्स हैं, पंजाब की 141 है, खैबर पख्तूनख्वा की 45 है, सिंध की 61 है, और बलूचिस्तान जो है वो सारे का सारा नवाज शरीफ के साथ जाएगा, लगता ये है, क्योंकि बलूचिस्तान या पीपल्स पार्टी के पास जाएगा या बलूचिस्तान नवाज शरीफ के पास जाएगा, सो वो 16 सीटें ऑटोमेटिकली नवाज शरीफ को चली जानी है। सो नवाज शरीफ विद द सपोर्ट ऑफ द कोलिशन, और मेरा ख्याल है कि 172-173 जो कि सिंपल मेजोरिटी चाहिए हुकूमत बनाने के लिए, वो ये मेजोरिटी ले लेंगे, ये उनके लिए मसला नहीं होगा। मसला इमरान खान के साथ है
है कि जो कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जिनकी दो बड़ी सीटें हैं, दो बड़े पार्टीज हैं, उनके साथ वो कोलिशन नहीं बनाना चाहते। सो ऑटोमेटिकली इमरान खान जीत के भी ऑपोजिशन हिंदुस्तान में, भारत में, जो बात हम समझना चाह रहे हैं कि आपने इस आदमी को प्रचार से रोक दिया, आपने इनकी रैलियों पर पाबंदियां लगा दी, आपने सिंबल तक को जो है बैन कर दिया, जेल में शख्स को आपने बंद कर दिया, बावजूद इसके वो तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इतने पुरजोर तरीके से जीत दर्ज करके हासिल, मतलब आपने तो आपने सारे घोड़े अपने खोल दिए थे ना, लेकिन फिर भी इस बंदे को नहीं रोक पाए इमरान खान को। देखिए जी, बात यह है कि आप ये जो कहती है ना कि जेल में डाल दिया, वो सारा कुछ कर दिया, क्वेश्चन ये है कि ये लोगों की आवाज है, लोग अगर उसको वोट देना चाहते हैं तो क्यों ना वोट दें। हमें तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसकी पार्टी, डिस्पाइट द फैक्ट वो जेल में है, उसको सजा हो गई है, 76% लोग उसको वोट दे रहे हैं, तो ये एक ट्रांसपेरेंसी है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये मैं समझता हूं कि, और वो फिर भी लीड कर रहा है, लोग उसको पसंद करते हैं, तो ये अच्छी बात है ना कि लोगों की आवाज सुनी जा रही है, वो जैसी भी आवाज है लोगों को। अगर वो आप सेना की बात करते हैं, सेना को पसंद है या नहीं पसंद, या किसी और को पसंद है या नहीं पसंद, लेकिन लोगों को जो पसंद है वो 76 सीटें तो ले गया अभी तक जितना भी रिजल्ट आया है। सो क्वेश्चन ये है कि वो 76 क्या वो 80 भी ले ले, वो 90 भी ले ले, वो हुकूमत नहीं बना पाएगा क्योंकि उनके अंदर डायलॉग करने की कैपेसिटी नहीं है। अरे तो फिर किसी से भाई मामला तो वही हो गया ना कि जनता को, आवाम को जो पसंद हो हमारी बला से, हम तो उसी को बनाएंगे जिसको हम चाहते हैं। ये तो सेना यही करेगी ना भाई, पसंद आपको आ रहा है इमरान खान, वोट दे रहे हो आप इमरान खान को, लेकिन सत्ता पर काबिज कौन होगा? नवाज शरीफ। नहीं 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 रूबिका, देखें 173 सीटें चाहिए वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, इमरान खान की पार्टी के पास 76 सीट है, वो कैसे हुकूमत बना सकता है? नहीं लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो है ना, मैं तो जनता की पसंद की बात कर रही हूं ना कमर भाई। सबसे बड़ी पार्टी का मतलब यह है कि अगर आप अपने 76 सीटें, अगर आप 100 भी ले लें, अगर इमरान खान 100 भी ले लेता है फॉर एग्जांपल, इसके उसको इसके बावजूद 73 चाहिए, क्या वो डायलॉग करेगा पीपल्स पार्टी के साथ? कभी भी नहीं करेगा। कर्नल सिंह, कोलिशन गवर्नमेंट तो चाहिए नहीं इमरान खान को, भले ही सबसे पसंद करने वाला नेता क्यों ना बन जाए वो। नहीं देखिए, इसमें कमर साहब को मैं एक बात तो याद दिला दूं कि 77 में भुट्टो ने इसी तरह से रिगिंग करवाई थी, और इतनी मैसिव स्केल पे रिगिंग हुई थी कि वो खुद उसे शर्मिंदा हो गए थे, और उसके बाद पाकिस्तान आपको मालूम है किस तरह से डिस्टेबलाइज हो गया था। अगर लोगों का परसेप्शन ये जाता है कि इसको इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया है, तो जान लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा, तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इस पर इसकी बहुत बड़ी पैठ है इमरान खान की, तो ये आपको और भी इंस्टेबिलिटी की तरफ ये ले जाएगा। इस बात को कभी नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। मे बी आप शॉर्ट टर्म में आप अपने मनचाही सरकार बना ले वहां की फौज, लेकिन इसका असर पड़ेगा, इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को लेके, और ये आपका अफगानिस्तान फ्रंट कभी भी नहीं संभलेगा, ना तो आपका ये जो इंटरनल सिक्योरिटी जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेके है उसको लेके कभी संभलेगा। तो इसका एक सिक्योरिटी डायमेंशन भी आपके लोगों को गौर करने की जरूरत है इसमें। चीमा साहब, कुछ भी कर लीजिए, कोई भी आ जाए, इंटरनल सिक्योरिटी से कैसे डील करेंगे? देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी पाकिस्तान की ठीक है, पाकिस्तान की फौज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वो जो है उसको मैनेज कर रहे हैं, और अफगानिस्तान के साथ मामला ठीक हो जाएंगे, ये नई हुकूमत जब आएगी तो अफगानिस्तान के साथ हमारी ठीक हो जाएगी। ज़्यादा TTP है जिसको भारत सपोर्ट करता है, वो हम कहेंगे कि ना करें और भारत की स्पेस कम करें अफगानिस्तान के अंदर, ऐसी कोई बात नहीं। कमर साहब, ये कहने में आपको सिर्फ दो लाइनें, मतलब आपका जब कन्विक्शन होता है ना तो एटलीस्ट एक पेज तो बोल ही देते हैं आप, अभी तीन लाइन में आपने खत्म कर लिया, वो साफ नजर आ रहा है कि आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कमर भाई। मैं कॉन्फिडेंट हूं पाकिस्तान के अंदर, देखें किस मुल्क के अंदर हम 15-18 साल से दहशतगर्दी की जंग लड़ी, फिर हम दहशतगर्द जमातों से लड़ रहे हैं जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हैं, ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डरिंग एरियाज में कुछ मसले मसाइल हैं, लेकिन मामला ठीक है, जिंदगी चल रही है। हाँ, कुछ एरियाज में, कुछ पॉकेट्स में मसले हैं जिसमें पाकिस्तान की फौज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो उसको मैनेज कर लेंगे, और हम अफगानिस्तान पर प्रेशर डाल रहे हैं, और अफगानिस्तान की आवाम भी तालिबान पर प्रेशर डाल रही है कि
पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए वो दहशतगर्द ग्रुप जो अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं उनको खत्म किया जाए या पाकिस्तान के हवाले किया जाए। भाईजान आपको पता है इस वक्त मैं और कर्नल सिंह क्या सोच रहे हैं? वो आपने आस्तीन में पाला क्या सर? क्या पाला आपने आस्तीन में? देखिए ये आपकी सोच है ना, आपकी सोच है ना ये। नहीं हमारी सोच नहीं है। अब मैं आप तो भाई पड़ोसी मुल्क है,